आज हमने चेक कराया है, ये हमारे पास फ्रिज आया कस्टमर का ही, तो इसी को हमने चेक करा, कंप्रेसर खराब है और इस कंप्रेसर को कैसे हमें डिस्कनेक्ट करना है वो आज हम सीखेंगे और किस तरह से हम टांगे को बाहर निकालेंगे। तो ये कंडेंसर की साइड से हमारा ये पाइप कनेक्ट है इसके अंदर और ये अंदर से फ्रीजर से वापसी जो सेक्शन लाइन है वो अटैच हो रही है, तो हम इन दोनों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लाइटर से ऑन करेंगे इसको, अब हम इसको इस तरीके से रख लेंगे। आग जो इसकी आग निकल रही है, ये देख रहे हो ये जो आग जा रही है, ये बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने टकरानी चाहिए। तो हम स्पीड बढ़ाएंगे तो पत्ती से लगाने से क्या होगा कि हीट हमारी जल्दी हो जाएगी, तो हम इसको तेज करेंगे। और जब तक वेट करेंगे जब तक कि इसका टांका मेल्ट नहीं हो जाएगा। और टांका हमारा मेल्ट हो गया है, अब इससे पकड़ेंगे और प्यार से इसको खींचेंगे। अभी इसमें अंदर प्रेशर है, रुक जाओगे, अभी इसके अंदर प्रेशर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपलरी भी काटनी पड़ेगी, यानी कि अभी प्रेशर इसमें रुक गया है हमारा क्योंकि प्रॉपर इसकी निकला नहीं है। इसके अंदर चार्जिंग लाइन पहले हटा दी थी तुम लोगों ने, अभी भी इसमें प्रेशर है। प्रेशर निकल चुका है, अब हम इसमें करेंगे कार्रवाई दोबारा। लाल हो गया है, फिर आराम से पाइप बाहर निकल गया है, तो हम इसको इस पाइप को करेंगे करो अच्छा कर सकते हो आप, हाँ यहाँ पर करते हैं। ये तो जब मैं बोलूँ जब उसको पहले ये मेल्ट हो जाना चाहिए, मेरी पाइप टूट गया है। क्या हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो इस तरीके से हमने पाइपों को अलग करना है। यदि ये पाइप में पूरी तरह लाल नहीं हुए टाके और आपने पाइप खींच दी तो ये टूट जाएगा यहीं पे जी, और फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पाइप को यहाँ से काटना पड़ेगा, ये समझ रहे हो। तो पाइप बहुत छोटा हो जाता है फिर टाँका लगाने में दिक्कत हो जाती है, तो कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है। टाँका जब खुद ही मेल्ट होने लगे तो समझ लो कि वो तैयार है निकलने के लिए, ठीक है, उससे पहले ताकत नहीं लगानी है। तो अब हम इस कंप्रेसर को रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करके जब इसको लगाएंगे तो तब इसकी चार्जिंग भी बनाएंगे।